Aye. पूरा हो गया सबका? वन टू ट्वेंटी फाइव पूरा किया? यस यस पूरा। थर्टी टू से फिफ्टी टू सर अटेंड सारे कर दिए? यस यस सारे किए? यस यस। लास्ट क्लास तक जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो सब समझ में अच्छे से समझ में आया? किसी को किसी टॉपिक में डाउट है? क्वेश्चंस बन रहे हैं? 30-40% तक क्वेश्चन बना ले लो। 40% मैंने बोला कि 100% आप बनाओ, 40% तक तो बना पा रहे हो ना? ठीक है, अभी काफी। हाइड्रोजन को रिप्लेस होके उसने क्या कर दिया?
ट्रिटियम कर दिया, हाइड्रोजन के दूसरा आइटम तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये अपने आप में क्या होगा, रेडियस के सब्सटेंस हो बेटा, और कोई भी पैरामीटर इफेक्ट नहीं होगा, बस सब्सटेंस ही चेंज हो जाएगा। तो ये सब्सटेंस कैसा होगा, रेडियोएक्टिव सिस्टम, तो ऑप्शन 1 होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 क्वेश्चन नंबर 9 10 11 हो गया था। ठीक है, 12 13 14 अरे ये तो पहले ही बोला था कि करने के लिए ना, हां अच्छा Thank you.
केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? चलो मुझे पहले बताओ केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखा? CH4 ऊपर और कुछ है? इसके बाद H2S पावर 2, ठीक है? नीचे CH2 H2 का पावर 4, CH4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ? 0.12 0.12 H2S का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया उसने? 0.2 पाई स्क्वायर करो। CH2 का कितना दिया बेटा? कितना है? 8.4 इनटू माइनस 5, ओके। एंड नीचे इसका कितना है? हाइड्रोजन का 0.1 और ये तो बात हो ना, माइनस What is the mole? 10.2 divided by 90 for the 0.1.
टी इक्वल टू जीरो पे कितना था 0.1 तब ये जीरो था बराबर अब t इक्वल टू t पे क्या होता है 0.1 माइनस 0.1 अल्फा a माइनस a अल्फा याद है ये क्या हो जाएगा 0.2 बराबर अल्फा की वैल्यू कितनी बड़े से अल्फा क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है अल्फा 1/2 50% मतलब 1/2 आया ना तो इसको क्या करो हम देखो 0.1 माइनस 0.1 by 2 वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए वॉल्यूम वाला नहीं भी डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं ना क्योंकि इक्वेशन ओरिजिनल क्या रहेगा kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ n2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय n2o4 इनटू 1 बाय d का पावर क्योंकि डेल्टा एनर्जी है ना ग्रेटर देन 0 है तो v कहां आएगा नीचे आएगा v का पावर कितना 1/1 फर्क पड़ता है ठीक है n2 का यहां पे कितना आ जाएगा 0.5 × 1 0.1 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 0.1 − 0.05 कितना होगा 0.9 राइट कर लिया आंसर क्या समझ में आया ना Thank you.
product selection complete hai kar chuke hain. Pressure of water is 38 torr.
काम करो, केपी आपको दिया हुआ है, क्या पार्सल प्रेशर में स्टोर निकाल सकते हैं? हाँ या ना? बेटा कितना है? 2 × 10⁻²² × 100 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 38 मतलब 1/190 190 जो कर लो कितना है?
answer none of these. One by 19 almost a lot, percentage come up, na? One by 19 ना तो 10 होगा ना 20 होगा ना 40 होगा तो थोड़ा तो अपने दिमाग में स्पेंड लेकर तो प्रमाण ने दिया है तो थोड़ा कभी कुछ यूज करना जरूरी होता है. वन बाय 19 के तीनों ऑप्शन में से मैच कर रहा है क्या? 4 10 20 कर रहा है? मैं तुम करवा सकता हूँ. आंसर क्या दिया है? हम ने दिया है सिर्फ 40 दिया है. ऑप्शन सी दिया होगा क्या? बात गैस प्लस एस गैस है ना कि सॉलिड है? सॉल्वर सॉलिड है. सॉलिड है टेंस टू गिव H2S गैस. ये मेरा अब देखो इनिशियली इसमें किसके किसके कितने मोल लिए हैं देखो तो 0.3 मोल हाइड्रोजन 0.3 ये 0.2 ये और इसका कुछ मोल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ. इनिशियली इतना ही है भैया.
equal to 2 पे क्या होगा 0.3 minus x 0.2 minus x और यहाँ पे क्या होगा x होगा यही होगा आया ना What will be the concentration of H2S at equilibrium? Sir, I will be तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि सॉलिड है इसका क्या होगा x by b x equal to क्या होगा x by b बार 0.3 minus x by b b b आंसर कैसी क्या होगा x by 0.08 is equal to कितना x by 0.3 minus x help करते वाले हो फ्रेंड्स put it here कहीं कितना है? ये समझ में आया? एडिडास आया
अहम भाग्य हमारे जॉब करना है टाइम सॉरी मैंने तो चली गई मेरा का टाइम मतलब कितना हुआ 12:45 आप लेक्चर तो ऐसे कंप्लीट कर दिए सब बस लेट तू जल्दी आ जाता पुलिस से तो आता है ना 9:30 बजे भी चलता हर 10-15 मिनट बस आएगा आपके मेरे को समझ रखना क्या है थोड़ा जल्दी चला करो एक ही बहाना चिपकाया जा रहा फर्स्ट टाइम पे नहीं लेकिन आज टाइम पर 9:30 बजे निकला करो ना 2 घंटे पहले अब तो खा के सो के उठते हैं हम एकदम रात में नेटफ्लिक्स यूज करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 49
15 ठीक है था भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट kc फॉर द हियर इज 16 इफ वन मोल ऑफ ईच ऑफ फोर गैसेस इज टेकन इन इतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सो वाह SO3 प्लस रिएक्शन तो बोल सकते ना कम से कम SO2 प्लस टेंस टू गेट SO3 NO2 NO देखते भी चला इनिशियली इसमें क्या लिया है सब 1 1 1 1 देखो चारों गैस 1 1 लिया उसने लिया है T equal to T पे क्या होगा? 1 minus x, 1 minus x. यहाँ क्या होगा? 1 plus x, 1 plus x. AC की वैल्यू कितनी दी हुई इसने? ये वो 16 लिया हुआ ना? 16 equal to क्या देगा? 1 plus x का whole square, 1 minus x का whole square. क्या कर सकते हैं बताओ? सोचो. इसके करेंगे ना 1 plus x square plus 2x है ना आधे ओके आधे ओके हाँ क्या करेंगे बता x चेंज कर देंगे x की वैल्यू हाँ तो कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं 1 plus x square plus 2x ये फॉर्मूला है और इनको भी क्या होगा 1 plus x square माइनस 2x इनटू 16 चीजें जान बुझ के कॉम्प्लिकेट करना तो तुमसे कोई सीख के ले अरे आयस्टा ने मेरे दिमाग में तो कुछ सुनो ना आई मीन रियली प्लस क्या समझे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस x बाय 4 माइनस 4x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस x और ये इधर चला जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा क्या है रेडास समझ में आए बोल ले हमारा लड़की जैसे हां उसके बाद क्या किया इसके बाद क्या किया इसके बाद हां अच्छा स्क्वायर रूट 16 क्या होता है और होता है और 1 प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई मुझे क्या पता स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर बाय b स्क्वायर सो क्या लिख सकता हूं a जैसे लड़की लड़के वाली देखने आए थे ना एकदम सम्मान ज्यादा सम्मान जा रहा है क्या अबे बी अ मैन क्या बात है ब्लसिंग एकदम ऐसे गाल पे ब्लस हो गई देख उसकी देख ऐसे मेंस वाले कैरेक्टर को रखकर थोड़े एक्स्ट्रा बहुत हम कर उसके वाई पर बहुत ज्यादा है मतलब आपका क्या होगा हां ए अपॉन बी ए अपॉन बी वेरी गुड आंसर प्लस यहां पे भी क्या होगा 1 प्लस x में 1 माइनस x 1 माइनस x को सब मल्टीप्लाई हो अब ये समझ आ जा सकता कोई डाउट यहां तक चलो 52 51 52 85 ना सॉल्व करिए 85 से ना
Thank you.
Thank you.
Second A.
तो
हमारा
क्या बेटा जरूर साथ में चलिए चलिए अपना दोपहर में